आ जाओ। उमेर तुम्हें क्यों लेकर आ रहे हो? कोई बात नहीं मामा, जब मैं छोटा था तो आप इसी तरह रात को मेरे कमरे में दूध लेकर आती थी और क्या कहती थी कि खड़े रहूंगी सर पे जब तक पीके खत्म नहीं करोगे। हंसती रहा करें, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं आप। माँ की खुशी बच्चों की खुशियों से जुड़ी हुई होती है। मैं खुश हूँ। तुम्हारे दुख और तुम्हारी खुशियां मैं महसूस कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि सब तुम खुश नहीं हो। तुमने अभी भी सादिया को दिल से कबूल नहीं किया। कोशिश करूंगा मॉम कि मैं उसे दिल से नहीं हूं। मैं मेरे कहने से नहीं, जबरदस्ती नहीं। मेरी खुशी की खातिर उसे कबूल करोगे तो तुम दोनों के दरमियान के फासले कभी खत्म नहीं होंगे। मैं जानती हूं बेटा, मैं समझती हूं ये तुम दोनों के लिए आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। आप ये दूध तो पीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। अब अगर मॉम का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना तो तुम देखना, फिर मैं ब्लैकमेल करूंगा सोफी को। सादिया तुम्हें क्या लगता है हमारा कल भी आज की तरह खूबसूरत होगा? शमा आप गेसेस दे दें, लेकिन सारे ब्रांड्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए और एक दफा मुझसे अप्रूवल ले लीजिएगा, ठीक है? केटरिंग को आप देख रही हैं? आबिद साहब प्रोडक्शन स्लो हुई रही है, ये डिनर के चक्कर में प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए। मैं आपको स्केचेस भेज रही हूँ, उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? उमेर आप प्लीज शमा को लिस्ट दे दीजिए पर्सनल गेस्ट की। जी मॉम, मैं कल तक कर दूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? हर काम कल पे नहीं छोड़ा करो मेरे, प्लीज। ओके ओके, मैं कर दूंगा आपको आज। क्यों आई हो तुम यहाँ? बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुबी, सुबी प्लीज मेरी बात तो सुनो। बोलो। उमेर ने मेरे सामने कहा है कि वो तुम्हारे मामले में सीरियस नहीं है। बहुत कुछ बिगड़ चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो दुश्मनी में नहीं किया बल्कि सिर्फ मजबूरी थी तुम्हारी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ गलत हो रहा है। तुमसे दुश्मनी ले रहा है। खुदा के लिए इतने हाल पे रहम खाओ प्लीज। ये रहम की भी तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए मांग रही हो।
जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसका बदला ले रही हो ना मुझसे, याद रखना बच्चों, उमेर को मैं तुमसे छीन लूंगी मैं तुमसे। मुझे अंदाजा था कि वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। मैं कौन सा उसकी बात पे कोई यकीन करें? गुड, आई नो यू ट्रस्ट मी। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? मेरा उससे बस इतना ही ताल्लुक है कि मेरे घर में एक फालतू चीज की तरह पड़ी रहती हो। गेस्ट रूम में सोती है। उमेर बस मुझे कभी धोखा मत देना। कैसी बातें कर रही हो सुबी? नेवर। जाहिर तो सादिया खुश है लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सी उदासी है। दिल उसकी तरफ से बहुत परेशान है। हमें सादिया के लिए कुछ करना चाहिए। क्या बोले जा रही हो तुम? कब मिली हो तुम सादिया से? सादिया से? जूबी की बात कर रही हूं मैं। तो फिर उसका नाम क्यों ले रही हो? जूबी का नाम लो ना। नहीं, मैं तो दिमाग से खुड़ के निकाल दो उसका नाम, और ये बार बार उसका नाम लेके मेरे कानों में जहर मत घोलो। बोलो क्या कहना चाह रही तुम? क्या करना चाहिए जूबी के लिए? मैं ये कह रही थी कि जूबी की शादी कर देनी चाहिए। इस तरह बहुत मुमकिन है कि उसकी सेहत में भी जल्द बेहतरी आ जाए। जूबी की हालत देखी है तुमने? जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा ना, मैं उसकी शादी का सोच भी नहीं सकता। जूबी, खाना नहीं खाना बेटा? अबू भूख नहीं लग रही है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। सारा दिन तुम कमरे में बंद रहती हो। वो अबू, असाइनमेंट भी तो कंप्लीट करना है और फिर एग्जाम्स भी सर पर है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई में लगकर अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही ना करना। आओ शमश, खाना खाए। आओ। आओ सादिया।
क्या बात है, सब खैरियत है? बेटा जो बोलना है कह दो। आओ बैठो। क्या बात है? वो दरअसल सु बात पूरी करो सादिया। जो मैं कहने जा रही हूं शायद वो बात आपको अच्छी ना लगे। मुझे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन तुम अगर ये समझती हो कि मेरा जानना जरूरी है तो खुलकर बात करो। एक लड़का है साहिर, सुंबुल उससे फोन पे बात करती है। साहिर कौन है ये? मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने वाले हैं। बस, या और कुछ भी जानना है? मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। मॉम को बता। ये सब कुछ तुमने सुंबुल ने खुद बताया? जी। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। अब सुंबुल को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह सुबह ही कॉल कर ली, खैरियत है? खैरियत है सर, बस ऐसे ही। आज दिल कर रहा था तुम्हारे साथ लंच करने का। अच्छा ठीक है, तो मुझे छुट्टी से आधे घंटे पहले पिक कर लेना, मैं अपना लास्ट पीरियड स्किप कर दूंगी। ओके। अच्छा मुझे देर हो रही है, फिर लंच पे मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय। बाय। ज़ूबी, दूध पियो, नाश्ता भी नहीं किया तुमने। अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। ज़ूबी नाराज हो जाऊंगी मैं, पकड़ो। अच्छा क्या बनाऊं लंच में आज? कुछ भी नहीं, आज मुझे दोस्तों के साथ लंच करना है, उन सब ने प्लान किया। कितनी बुरी बात, बाहर का खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अब्बू ने भी मना किया हुआ है। अम्मी आप क्यों मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर मैं नहीं कही ना तो मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। चल खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना अपना। जी जी। हेलो समिया, मैं आलिया आंटी बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मैंने सुना कि तुम ट्रिप पर नहीं गई, अम्मी की तबीयत ख़राब है, आप कैसी हैं?
समिया, मैंने तुम्हें आज एक ज़रूरी काम से फ़ोन किया है। तुम ज़ाहिर को जानती हो ना, मुझे उसका नंबर चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हाथ मत लगाना, मैंने कहा ना तुम्हें। लिसन, मुझे तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है, समझी? ये क्या किया तुमने? ये निकालो ये सारे अपने कपड़े को। ये मेरे कपड़े, निकालो इसको यहाँ से। ये मेरी अलमारी, यहाँ सिर्फ मेरी चीजें होती हैं, समझी? आइंदा प्लीज मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना। मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ, आई जस्ट नीड टू स्पीक टू हिम। मिलना चाहती हूँ मैं उससे एक दफ़ा। मेरा तुम दोस्त हो ना? मेरा एटीट्यूड अपनी बेटी के साथ एक दोस्त वाला ही है, तो मुझे उसका नंबर सेंड कर दो। थैंक यू बेटा, मुझे मैसेज कर देना, आई विल बी वेटिंग। अम्मी को सलाम कहना, मैं आऊँगी किसी वक्त। खुदा हेलो उमेर, तुम कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं हो? जी बस मैं बस पहुंचा हूँ, ऑफिस निकल गया बस। अच्छा ठीक है, सादिया को साथ लेकर आओ। जी मैम। सादिया को अपने साथ ऑफिस लेकर आओ। जी अच्छा। ओके सादिया, इसके साथ एक तीसरा कलर लगाना है, क्या लगाऊं? मुझे तो कुछ ये तुम्हारा कलर सेंस बहुत अच्छा है, मेरे साथ काम करोगी? मुझे तो कुछ नहीं आता, कैसे कर पाऊंगी? तो सीख जाओगी। डन, कल से तुम मेरे साथ काम पर आ रही हो और कल से बिजी भी हो जाओगी, इसलिए तुम्हें उसको शॉपिंग ले जाऊं। सॉरी मॉम, आज तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, कुछ कमिटमेंट्स है मेरी। जो मैंने कहा है वो ज्यादा जरूरी है।
हेलो हाँ मैं फ्री हो गई हूँ, मैं कब तक आ रहे हो? तुमने फंसा दिया मुझे, मैं नहीं आ रहा। मतलब? मतलब ये कि मैं ऑफिस में हूँ, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। ओह गॉड, मैं क्या करूँ सुबह? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो, हम कल मिल लेंगे, कोई मसला नहीं। फ्री होके कॉल करता हूँ। बाय। हर मजबूरी मम्मी के ऑर्डर के नाम पर, देखती हूँ कब तक। Still the same condition. तो ये तो अच्छी रिपोर्ट हुई ना? अगर कैंसर फैल नहीं रहा तो क्या रिमिशन में चला गया? I wish कि अच्छी रिपोर्ट होती, मगर मसला सिर्फ ये है कि अगर इन 2 महीनों में आपका ट्यूमर बड़ा नहीं है तो कम भी नहीं हुआ है। कितना वक्त है मेरे पास? आप अल्लाह से अच्छे का गुमान रखें, मगर ये खुद का ख्याल रखे बगैर मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेडिसिन्स लेने में शायद लापरवाही बरत रही हैं। एक्चुअली डॉक्टर साहबा, इतनी चीजें हैं जहन पर इस वक्त, कई दफा भूल जाती हूँ लेना। तो आप मत भूलिए ना, मैं नेक्स्ट मंथ आपके सारे टेस्ट रिपीट करवाऊंगी। अगर मुझे प्रोग्रेस नहीं नजर आई तो अनफॉर्चुनेटली हमें कीमोथेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, कीमो नहीं करवा सकती, उससे तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊंगी और मेरे बच्चों को पता चल जाएगा। देखिए, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चों को ना पता चले तो आप अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। आप मेडिसिन टाइम से लीजिए, एक रूटीन बनाइए। मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो सिर्फ आपकी और आप ही की रहूंगी।
वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो आज लेट नहीं आना था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, सब खैरियत है ना? जी अम्मी, खैरियत है। फिर जल्दी क्यों आ गई? ये अम्मी, आपने भी आते ही सवालों की बौछार शुरू कर दी है। वो मेरी एक दोस्त नहीं आई थी, हमने लंच का प्लान कैंसिल कर दिया। अच्छा, खाने में क्या बनाया आपने? बहुत भूख लगी। मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, तुमने ही तो मना किया था। यार अम्मी, क्या करती हैं आप? भूख लग रही है मुझे। अभी अगर खाना नहीं मिला तो यहीं बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा पापा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मजाक कर रही थी। चिकन कढ़ाई बनाई है, लाती हूँ। सही कह रही हैं। अरे मैं तो सोचा था कि मैं इतना मजबूत हूं कि मैं उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक चुका हूं। लेकिन आज उसे उमेर के साथ देखकर काबू नहीं रख पाया खुद पर। बेटा, बेटा अपने आप को मजबूत करो, बस अपने इरादे पर डटे रहो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी में लौटो। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुमने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। लौटो मेरा बच्चा, लौटो। अच्छी तरह हाँ, इधर बैठो। मॉम ने तुम्हें तो अपने सर पर बिठाया ही था, अब मेरे सर पर भी बिठा रही है। खुश तो बहुत होगी ना तुम? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रही हो तुम? कितनी दफा मना किया कि मुझे छुआ मत करो, हाथ मत लगाया करो। मुझे भी तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो फिर उतरो, यहीं पे उतरो, टैक्सी में घर जाओ। हाँ, जाओ, जाओ यहाँ से। साथिया, साथिया, बात सुनो मेरी। तमाशा मत बनाओ रोड पे। हाँ तो यहाँ से। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, आवाज नहीं आ रही तुम्हें, क्या कह रहा हूँ मैं? मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं वाकई में तमाशा खड़ा कर दूंगी। रोड पर तमाशा बन रहा, सब लोग तमाशा देखेंगे। चलो बैठो। एक मिनट, भाई क्या मसला, क्यों छेड़ो उनको? ये हमारा पर्सनल मैटर है। आप भी सड़क पर लड़ रहे हैं, ये पर्सनल मैटर तो नहीं रहा ना।
ये है कौन? इससे आपका रिश्ता क्या है? बीवी है ये मेरी। क्या ये आदमी ठीक कह रहा है? जी। जो कोई मसले मसाइल है ना आपके, अपने घर की चार दीवारी में हल करो। क्यों तमाशा बना रहे हो यहाँ पे? उठाओ ये सारा सामान और निकलो मेरे कमरे से। ये मेरा कमरा है और यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लेके जाओ ये। मम्मी से टेंशन की कोई भी बात मैं नहीं करूंगी। अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर लेना। वैसे तो हर छोटी छोटी बात पर धमकी देती हो कि मॉम को बता दोगी, और इस मामले में मेरे भाई को आगे कर रही हो ताकि मॉम का गुस्सा उस पर उतरे। बहुत मान है ना तुम्हें इस भाई पे। इस भाई की जब असलियत पता चलेगी ना तुम्हें, तो तुम्हारा ये एतबार, ये भरोसा, ये गरूर सब टूट के चकनाचूर हो जाएगा। उमेर, कैसे बर्दाश्त करते हो इस औरत? मुझसे पूछो कि मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ इस शख्स को। ज़बान संभाल के बात करो सादिया। क्या हो रहा है ये? तुम जाओ अपने कमरे में। मॉम वो जाओ। क्या मसला है? मॉम, आप इस औरत को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट करें। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ कमरे में नहीं रह सकती। अगर कोई और कमरा है तो प्लीज मुझे वहां पे भेज दे। जिस रिश्ते में तुम दोनों बंधे हो, सारी उम्र साथ गुजारनी होती है। कमरा अलग नहीं हो सकता। सुन लिया तुम दोनों ने? मॉम, क्या लेकर आई हो बताओ मुझे। Very nice. कल जो बात तुमने मुझे बताई थी, मैंने उस लड़के की इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। मम्मी, आप सिंबल से बात करेंगे ना? Thank God. तो आज की मीटिंग कैसी रही? अच्छी थी। In fact, it was wonderful. काफी डिटेल्ड डिस्कशन आई। आज तो तुम सारा दिन मम्मी के साथ रहे होगे ना? उन्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत खुश थी, बल्कि काफी सारे सजेशंस ही मैंने उनको, मॉम ने तो बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा उमेर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, मेरे किसी दोस्त का फोन आ रहा है। चलो ठीक है, आई विल वेट फॉर योर कॉल। बाय। ज़ूबी। हेलो अमर भाई, सब ठीक तो है ना? सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, क्या हुआ है बताइए। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी। I'm really sorry अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। क्या हुआ है? खैरियत तो है ना? अम्मी को भी बिला वजह परेशान कर दिया मैंने आज। समझ नहीं आ रहा कैसे संभालूं खुद को। बात क्या है बताइए तो सही। जो दुख मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, वो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे कर सकता हूं। आज उमेर और सादिया को मैंने शॉपिंग मॉल में देखा। Thank you.
अब जो कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ गलत हो रहा है। तुमसे दुश्मनी ले रहा है। उमेर ने मेरे सामने कहा है कि वो तुम्हारे मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं। मेरा उससे बस इतना ही ताल्लुक है कि मेरे घर में एक फालतू जिसकी तरह पड़ी रहती है, गेस्ट रूम में सोती है। आज उमेर और साथियों को मैंने शॉपिंग मॉल में देखा। सबसे मिलवा दूं मैं तुम्हें? जी। ये शमा है, हमारी सेल्स देखती है, तंको, और बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाती है, मेट्री वगैरह। अर्जुमंत टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लॉजिस्टिकली, एंड प्रोडक्शन के सुपरवाइजर है याविद साहब। कोई मसला हो प्रोडक्शन में तो ही इज द मैन टू कैच। ये उमेर साहब की वाइफ है। मम्मी आपने बुलाया? हाँ, और खाना खा लो। लेकिन खाने से पहले ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी मम्मी? ताकि हम कांटेक्ट में रह सके। थैंक यू सो मच। नंबर डलवा दिया मैंने इसका। उमेर का है? पता नहीं कहीं बाहर निकला है। कहाँ चला गया? मुझे लगा कि आपने उसे कहीं भेजा है। चलो घर आ जाएगा, तुम खाना शुरू करो। देखो प्लेट्स नहीं लेकर आए। प्लेट्स कहाँ है? आज सुबह की फ्लाइट है ना? जी जी आज ही है। जल्दी से खाना खाते हैं एंड देन वी शुड गो होम। चलो शुरू करो। हाय, कैसे जुबी? घर से आ रहे हो? नहीं, ऑफिस से आ रहा हूँ। आज तुमसे मिलना था, इसलिए मैं उनसे बहाना करके आया। तुमने तो कहा था कल की मीटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी रही। हाँ, अच्छी थी। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और तुम सादिया के साथ? क्या सादिया के साथ? क्या किया मैंने सादिया के साथ? तुम कल सादिया के साथ मॉल में थे ना, तुमने मुझसे झूठ बोला ना उमेर? वो तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मजबूर किया होगा। यही कहोगे ना तुम मुझसे? मत कहना तुम्हारे दिल में अब मैं नहीं हूँ, सादिया है। मेरी बात छोड़ो मुझे। प्लीज संभालो खुद को, खुदा के वास्ते प्लीज। तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कल भी तुम थी और आज भी तुम। साथिया के मेरे दिल में कोई जगह नहीं है।
सॉरी, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मजबूर हो गया था यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मुझसे झूठ मत बोलना उमेर। क्यों रे?